कुरान पाक पढ़ना सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कायदा। यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक कायदा है जो आपको किसी भी इस्लामिक बुक डिपो से मिल जाएगा। इस कायदे का नाम है यस्सरनल कुरान। आप उससे ये नाम बोलोगे या फिर ये फोटो दिखाएंगे तो वो आपको ये कायदा दे देगा। ये कायदा लेने के बाद जब आप इसको खोलते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर अलिफ बा की एक तख्ती मिलती है। जैसे कि आप इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें आपको ए बी सी डी याद करनी होती है, सेम इसमें भी कायदा पढ़ने से पहले आपको ये तख्ती याद करनी होती है, जो कि आज के इस वीडियो में हम याद करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कायदा शुरू हो जाएगा, कायदा नंबर एक। नेक्स्ट पेज पर है यहाँ पर कायदा नंबर दो, उससे अगले पेज पर है यहाँ पर कायदा नंबर तीन। इस तरह से इसमें 20 कायदे हैं, तो हम हर एक वीडियो में एक कायदा पढ़ेंगे, तो इस हिसाब से 20 दिन में हमारा ये कायदा पूरा हो जाएगा। और अगर आपने इस कायदे को एक बार सही से पढ़ लिया तो आप इसी से कुरान पाक बहुत अच्छी तरह पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन हम इस कायदे के बाद पारा शुरू करेंगे और उसके बाद कुरान पाक शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं आज के अपने सबक की तरफ। आज हमें ये तख्ती पढ़नी है। आपको हमेशा याद रखना है कि कायदा पढ़ने से पहले आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़रूर पढ़ना है। एक बार मेरे साथ बोलिए, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये आपको याद कर लेना है और रोज़ाना कायदा शुरू करने से पहले आपको ये पढ़ना है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये है अलिफ, इसको अलिफ पढ़ा जाता है। ये है बा, बा की पहचान ये है कि इसके नीचे एक नुक्ता होता है। ये है ता, ता की पहचान ये है कि इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं। ये है सा, सा की पहचान ये है कि इसमें तीन नुक्ते होते हैं। ये है जीम, जीम की पहचान ये है कि इसमें एक नुक्ता होता है। ये है हा, हा की पहचान ये है कि इसमें कोई नुक्ता नहीं होता है। ये है खा, खा की पहचान ये है कि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। ये है दाल, इसकी पहचान ये है कि इस पर कोई नुक्ता नहीं होता। ये है जाल, जाल की पहचान ये है कि इस पर एक नुक्ता होता है। ये है रॉ, इसकी पहचान ये है कि इस पर नुक्ता नहीं होता है। ये है जा, जा की पहचान ये है कि इस पर एक नुक्ता होता है। ये है सीन, इस पर कोई नुक्ता नहीं होता है। और ये है शीन, इस पर तीन नुक्ते होते हैं। जैसे कि हिंदी में से और शय होता है, वैसे ही यहाँ पर सीन और शीन होता है। ये है स्वाद, इसकी पहचान ये है कि इस पर कोई नुक्ता नहीं होता है। ये है ज़ाद, ज़ाद पर एक नुक्ता होता है। ये है तो, इस पर कोई नुक्ता नहीं होता है। ये है ज़ा, इस पर एक नुक्ता होता है। ये है ऐन, इस पर कोई नुक्ता नहीं होता है। और ये है गैन, इस पर एक नुक्ता होता है। ये है फा, फा की पहचान ये है कि इस पर एक नुक्ता होता है। हालांकि देखने में ये बा की तरह से है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इसकी जो स्टार्टिंग है ये बोल्ड है, थोड़ा मोटा है, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये फा है। ये है काफ, इस पर दो नुक्ते होते हैं। और ये है काफ, इस पर कोई नुक्ता नहीं होता है। इनको बड़ा काफ और छोटा काफ भी बोलते हैं। यहाँ पर ये है लाम, ये है मीम, ये है नून, ये है वाव। ये तीन हा है, यहाँ पर ये हा, ये भी हा, और यहाँ पर ये भी हा। यहाँ पर ये है लाम अलिफ, यहाँ पर ये छोटा सा ये है हमजा, यहाँ पर ये या और ये भी या। ये दोनों सेम वर्ड है, सिर्फ इनके लिखने का थोड़ा फर्क है। तो इस तख्ती को आपको ऐसे याद करना है, एक तो इसको आपको रट लेना है कि आपकी बिना देखे याद होनी चाहिए, अलिफ बा ता सा जीम इस तरह से। दूसरे ये कि आपको ये सारे के सारे वर्ड्स अपने दिमाग में बिठा लेने हैं।
जैसे कि अगर कोई बोले सा तो फौरन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अगर कोई बोले लाम तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अगर कोई बोले सीन तो आपके दिमाग में ये सीन आना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको इनका तलफ़्फ़ुज़ यानी इनकी जो अदायगी है, इनको जो बोलने का तरीका है वो सुधारना है। तो इस वीडियो और इस सबक के अकॉर्डिंग आपको तीन काम करने हैं। एक तो आपको ये पूरी तरह से रट लेना है, अलिफ बा ता सा जीम इस तरह से। दूसरे ये सारे वर्ड्स आपको अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, अगर कोई भी शब्द बोले कॉफ तो फौरन आपके दिमाग में इसकी शक्ल आनी चाहिए। और तीसरे है इन्हें पढ़ने का तरीका, जैसे कि यहाँ पर ये सीन और ये शीन, तो इस तरह से आपको इन्हें पढ़ना है। चलिए अब एक बार मेरे साथ बोलिए, अलिफ बा ता सा। इसके लिए आपको अपनी जीभ अपने नीचे वाले दांतों पर लगानी है, सा जीम हा, ये आपको हलक से बोलना है, खौ दाल जाल, जाल बिल्कुल आपको सा की तरह से बोलना है, इसमें भी आपको अपनी जीभ दांतों के पीछे लगानी है, रौ ज़ा सीन शीन सौद ज़ौद तौ ज़ौ ऐन ग़ैन फ़ा क़ाफ कफ़ लाम मीम नून वाव हा 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 लाम अलिफ हमज़ा या। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सबक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन्हें ही अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा और इनके पढ़ने का तरीका भी बदल जाएगा। तो बस अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगली वीडियो तक आपकी ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जानी चाहिए।